असलम वेलकम बैक टू माई चैनल कैसे हैं आप सब लोग उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे आज की वीडियो में मैं आपके लिए लाई हूँ आप अनस्टिच ब्रांडेड ड्रेस लेकर किस तरह उनकी अच्छी सी स्टिचिंग करवाएं कि वो एक्सपेंसिव ब्रांडेड ड्रेस जैसे लगे लाइक like हम प्रेट यूज़ करते हैं ब्रांड का सो so उस जैसे हमारे लगें तो वो बहुत ज़बरदस्त हम लोगों को भी फील हो कि वाकई ये ब्रांड का ड्रेस है तो वीडियो में आप देख रहे हैं कि ये जो ड्रेस है ये बहुत प्यारे कॉम्बिनेशन के साथ है ये बोनेजा सतरंगी का ड्रेस है तो इसकी जो स्टिचिंग मैंने करवाई थी कुछ इस तरह के गला मैंने इस तरह का बनवा के ये टसल ले लिया था और उसके बाद जो है ये मैंने टिशू लिया था तकरीबन मुझे मिला था थ्री हंड्रेड के ये दोनों मिल गए थे टिशू दोनों कलर्स में और उसके अलावा बाज़ू और दामन पे मैंने ये लगवा ली थी और ये लेस जो है जिक ज़ैग वाली मिल जाती है हाँ मैंने दोनों बाज़ू और दामन पे ये लगवा ली थी कॉम्बिनेशन में इसका पर्पल दुपट्टा था लेकिन बेस कलर जो शर्ट का है वो ही सेम ट्राउज़र का था ट्राउज़र को मैंने सेम रहने दिया था तो नेक्स्ट मेरा ये ड्रेस है ये साया ब्रांड का है ये ब्रांड फर्स्ट टाइम मैंने यूज़ किया था तो इस तरह के कलर्स बहुत प्यारे लगते हैं गर्मियों में इस तरह के लाइट कलर्स कि गर्मी इतनी लगती है और मुल्सान में तो गर्मी इतनी ज़्यादा होती है तो लाइट कलर बहुत अच्छे लगते हैं अच्छा बाज़ुओं पे मैंने फ़ोर टाइप्स की लेस लगवा ली थी सेंटर लेस जॉइंट लेस जो भी जिस तरह की थी तो वो इससे भी आ, अच्छा लग गई थी और ये फुल गले पे मैंने इस तरह की लेस लगवा ली थी जो कि बैक गले से नीचे तक आ रही थी दामन और चौक वगैरह पे मैंने सिर्फ पाइपिंग लगवा ली थी इसके जो दुपट्टे पे थे सेम एज इट इज़ वो भी शटल लेस लगी हुई थी तो इस तरह ये बन गया था और ट्राउज़र में जो है वो जॉइंट लैस और ये मिरर वाली लैस मुझे मिल गई थी बहुत चीप प्राइस में तो ये मैंने इस तरह ये ड्रेस बनवा लिया था नेक्स्ट ड्रेस है मेरा ये मैंने लोकल मार्केट से परचेज़ किया था ये मुझे बहुत ही पसंद मुझे बहुत ज़्यादा ना रेड पहनने का शौक़ था मैंने कभी फुल रेड नहीं पहना था तो मुझे बहुत ज़्यादा था कि मैं रेड बनवाऊँ अच्छा ये मैंने ब्रांड से पता किया था तो ये ड्रेस मुझे ब्रांड से तकरीबन सिर्फ ये चाइना चिकन में शर्ट एट थाउजेंड तक की मिल रही थी तो मुझे ये तकरीबन थर्टी फाइव हंड्रेड में मिल गया था पठानों की शॉप से तो गला मैंने इस तरह का बनवा के इसके साइड्स पर भी इस तरह के बटन लगवा लिए थे ये हुक्स लगवा के ये इस साइड पे एक साइड पे भी ये थे और दूसरी साइड पे भी सेम इसी तरह के मैंने लगवा लिए थे अच्छा अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग जो है वो परचेज़ करते हैं ब्रांड से ज़रूरी नहीं है कि वो के ब्रांड से भी अच्छी चीज़ मिल जाए बाज़ात जो है वो बाक़ी लोकल मार्केट से या आप कहीं से भी जाके बस उसकी डिज़ाइनिंग आनी चाहिए आप लोगों को वो बहुत अच्छी मिल जाती है ये दुब्टा भी मैंने लोकल मार्केट से फाइव हंड्रेड का लेस लगी हुई विद लेस तो ये मुझे फ़ाइव हंड्रेड का मिल गया था ये क्रश दुबट्टा था मुझे बहुत पसंद आया था ये तो ट्राउज़र मैंने बेल बॉटम ही बनवा लिया था इस तरह सिंपल सा खुला सा शर्ट मैंने बहुत लॉन्ग रखवाई थी नीचे बॉक्स बेल्ट बॉटम टाइप ट्राउज़र होता है ये मैंने इस तरह का ये बनवा लिया था तो ये मुझे बहुत अच्छा और मतलब वेरी चीप प्राइस में मुझे ये मिल गया था नेक्स्ट ट्रेस ये जिल्ब्रे का है ये इसमें जो मिरर आप देख रहे हैं ये मिरर पहले नहीं लगे हुए थे ये मैंने इसके ऊपर लगवाए हैं क्योंकि मुझे ये बहुत प्यारा चुनरी स्टाइल में लगा था ये बहुत इसकी एक यूनिक सी लुक आ रही थी तो मैंने इसके अंदर इसको इनहेंस करने के लिए इसके डिज़ाइन को तो मेरी अम्मी ने ये मुझे ये, ये मिरर्स लगा दिए थे इस पर और ये मैंने नीचे जो है ये इसी तरह एज इट इज ये लेस मैंने लगवा ली थी ये मुझे डिफरेंट जो जो कलर्स थे लकीली मुझे ये लेस भी मिल गई थी और दामन पे भी मैंने इसी तरह ये सारे मिरर्स लगवा लिए अच्छा फ्रंट इसकी साइड मैंने ऊपर रखी थी और बैक वाली साइड ज़रा लॉन्ग थी अच्छा लेस के साथ ही जो कट बने हुए थे उसी तरह ही मैंने सेम ट्राउज़र पर बनवा लिए थे तो ये दुबट्टे पे आप देखें दोपट्टा तो फुल चुनरी स्टाइल में था इसमें भी हर एक बॉक्स में जो है मैंने लेस लग वो मिरर लगवा के लेस लगवा ली थी बिल्कुल साइड्स पे इस तरह कंप्लीट लुक बन गई थी अच्छा ये नेक्स्ट ड्रेस जो है मैंने गुल अहमद से ये सिंपल परचेज किया था सादा सा ड्रेस तो मुझे समझ नहीं आ रही थी इसके ऊपर मैं क्या बनवाऊँ तो मैंने लोकल मार्केट से इसका कॉम्बिनेशन में ये ब्लू सा मैंने लेके ग्रीनिश ब्लू तो ये इसकी पटियाँ लगवा ली थी और उसके ऊपर मिरर लगवा दिए थे और नीचे इसी तरह मैंने दामन पे भी लगवा ली थी बाजू और दामन पे बस और साइड पे जो चौक थे उस पर मैंने पाइपिंग करा ली थी तो ये जो मिरर आप देख रहे हैं वह लगे हुए ये हाथ से लगे हुए हैं मशीन से नहीं लगे हुए तो ये मेरी पुप् ने मुझे लगा के दे दी थी दुपट्टा जो है वो मैंने इसी उसका लेके और जो बेस कलर शर्ट का था उसकी लेस पे मुझे मिल गई थी तो नेक्स्ट ड्रेस जो है ये ये भी मैंने लोकल मार्केट से परचेज़ किया था ये था जस्ट शर्ट ली थी मेरा उस टाइम इरादा नहीं था कि मैं इसके ऊपर क्या बनवाऊंगी क्या नहीं तो ये क्योंकि फुल सितारों से भरी हुई थी फुल लेकिन ना बहुत हैवी नहीं थी लाइट से ना सितारे जो प्यारे लगते हैं तो उस तरह के थे क्योंकि सेम कलर के ही इस सितारे इस पर लगे हुए थे तो मुझे अच्छा लग रहा था तो फिर मैंने ये गले पे जस्ट ये लगवा ले थे ये हंड्रेड का एक टसल मिल गया था और ये सेंटर लेस इस तरह लगवा ली थी सीढ़ी लेस भी जिसे कहते हैं तो इस तरह की ये बस इस तरह सिंपल रहने दिया था और मैंने कुछ नहीं बनवाया था ये ट्राउज़र मैंने ले लिया था मुझे सेवन टू एट हंड्रेड का ये मिल गया था तो इसे भी मैंने खुला सा सिलवा लिया था क्योंकि शर्ट लॉन्ग थी मुझे लॉन्ग शर्ट बहुत पसंद है तो नेक्स्ट ड्रेस जो था ये था मेरी फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट किया था मेरी बर्थडे पर अभी रिसेंटली तो ये भी अनस्टिच था इसके ये होता है ब्रांडेड ड्रेस के साथ लेस मिलना बड़ा मुश्किल होता है के क्योंकि वो कलर्स बड़े यूनिक से होते हैं वो ब्रांड्स पे ही अवेलेबल होते हैं लोकल मार्केट से लेसेज़ वगैरह परचेज़ करना बड़ा मुश्किल होता है तो इसके लिए जो है शटल लेस नहीं मिलती मैं आप लोगों को ये एडवाइस करूँ जब भी आप लोग लें मिल्की में लेस लें तो वो मिल जाती हैं आसानी से ये मैंने भी इस पर जो है चारों तरफ आगे पीछे घेरे के और दामन पर मैंने ये लेस लगवा ली थी ये मिल्की में बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं पड़ती ये लेसेस जो तकरीबन ढाई सौ या तीन सौ तक की मिल जाती हैं स्किन का ट्राउज़र था तो सेम ही स्किन ट्राउज़र की ये मिल गई थी ये फोर्टी रुपीज़ की लेस नीचे लग गई थी और दुबट्टे पे भी मैंने इसी तरह लगवा ली थी मिल्की में ये लेस क्योंकि आपने देखा होगा अभी तक जितने भी दुबट्टे हैं मैंने सब पे ही लेसेस लगवाई हुई हैं अच्छा बातों में वीडियो खत्म होने का पता ही नहीं चला तो अच्छा जी वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अल्लाह हाफिज़